फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। देखिए बच्चों, एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने बहुत सारे हैं वो विज्ञापन के एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। देखो मेनली जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है, हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और अब आज हम इसमें ले रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड। देखिए कभी कभी इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हमें इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट की है वो जरूरत पड़ती है। हमारी कोई चीज खो गई है तो हमें एडवर्टाइजमेंट लेने की जरूरत होती है, या किसी की गुम हुई चीज हमें मिलती है तो भी हमें वो एडवर्टाइजमेंट एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाते हैं। तो आज हम इसी को लेकर के हैं वो पढ़ रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड। बच्चों, लॉस्ट का मतलब होता है खोया या कह दो मिसिंग, कोई चीज मिस हो गई है, और फाउंड का मतलब होता है पाया। देखिए बच्चों, अगर आपकी कोई चीज कोई वस्तु खो गई है तो आप किस हेडिंग से हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट का है वो पब्लिश करवाएंगे। लॉस्ट, आप कहीं जा रहे हैं और कहीं रास्ते में, बस में, कहीं बाजार में, किसी जगह पे आपकी कोई चीज खो गई है, चाहे आपका पर्स हो या आपका कोई ब्रीफकेस हो या आपकी कोई घड़ी हो, कोई भी एनी आइटम, तो आपको इस हेडिंग से है वो एक एडवर्टाइजमेंट है वो लोकल न्यूज़पेपर के अंदर लिखवाना होता है ताकि आपको वो मिल सके। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से हम इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करवाते हैं। अ बैग ऑफ ब्लैक कलर कंटेनिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाज लॉस्ट यस्टरडे 3 मई 2020 समवेयर एट न्यू बस स्टैंड ओशियन। अ हैंडसम रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड टू द फाइंडर, कॉन्टेक्ट वीरेंद्र शर्मा, नयापुरा, ओशियन, मोबाइल नंबर। अब देखो बच्चों, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक वीरेंद्र शर्मा नामक युवक जो कि नयापुरा ओशियन के रहने वाले हैं, उन्होंने पब्लिश करवाया है। क्या मिस हो गया था उनका, एक है वो ब्लैक कलर का एक बैग मिस हो गया था जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे। तो देखो क्या लिखा है, अ बैग ऑफ ब्लैक कलर, एक ब्लैक कलर का उसका बैग जो था, कंटेनिंग का मतलब होता है उसके अंदर कोई वस्तु आदि रखी होना, सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे, वाज लॉस्ट यस्टरडे 3 मई 2020 के दिन है वो कहीं खो गया, समवेयर का मतलब होता है किसी जगह, न्यू बस स्टैंड ओशियन पर। आगे उन्होंने लिखा है अ हैंडसम रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड टू द फाइंडर, यानी जिसको मिल जाता है तो उसको एक हैंडसम रिवार्ड है वो भी है वो उसको देने का भी इसमें वो वादा किया है कि जिसको खोई हुई ये चीज मिल जाती है और अगर वो लौटा देते हैं तो उनको एक अच्छा हैंडसम एक इनाम भी दिया जाएगा। अब जो कॉन्टेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो लिख दिया इसने, अपना नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख दिया। तो इस प्रकार से बच्चों, एक जो लॉस्ट नाम हेडिंग से हम एक एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करवाते हैं। फाउंड का भी यही तरीका है, फाउंड का मतलब होता है कोई चीज आपको मिल गई है, किसी की गुम हुई हुई चीज आपको मिल गई है और आप वो चीज उस जो उसका जो ट्रू जो ऑनर है उसके पास पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आपको लॉस्ट की जगह है वो फाउंड की हेडिंग से एक एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है। तो देखिए अब इसी में फाउंड वाला हम समझते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ही हमें कुछ वर्ड्स का ही है वो हमें इसके अंदर चेंजेस करना है। जैसे इसी सेम एग्जांपल में हम समझते हैं, अ बैग ऑफ ब्लैक कलर कंटेनिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाज लॉस्ट, तो लॉस्ट की जगह बच्चों लिखो अ फाउंड। लॉस्ट की जगह आपका क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। मतलब क्या निकला अब, कि एक ब्लैक कलर का जो बैग है जिसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कागजात रखे थे वो यस्टरडे यानी 3 मई को है वो मिला। बस अब आगे वही जगह, समवेयर एट न्यू बस स्टैंड ओशियन। अब अ हैंडसम रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड टू फाइंडर, अब इसकी जगह है वो आपको एक दूसरी लाइन लिखनी होगी। अब ये लाइन नहीं लिखनी होगी, इसकी जगह आपको एक लाइन चेंज करनी होगी और ये लिखनी होगी कि जो इसका जो ऑनर है उस ऑनर को क्या करना होगा, अपना सही सबूत है वो देना होगा कि उसका वास्तव में वही ऑनर है या कोई और तो नहीं है। तो इसलिए इसकी जगह एक आपको है वो लाइन चेंज करनी होगी और यहां आपको लिखना होगा ऑनर। ऑनर शुड प्रूव, ट्रू आइडेंटिटी
identification. True identification of the item. Of the item. ये चीज है वो आपको उसकी जगह लिखनी होगी. क्या चीज लिखनी होगी? ऑनर शुड प्रूव ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइटम. यानी इसका जो ऑनर है उसको अपने जो जो खोई हुई चीज है उसकी सही आइडेंटिफिकेशन है उसको दिखानी होगी और उसके बाद में ही उसे मिलेगा. बाद में कॉन्टेक्ट नंबर जो होते हैं इस प्रकार से हैं. कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है. थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ करके हमें वो लॉस्ट एंड फाउंड का जो एक एडजस्टमेंट है उसको पब्लिश करवाते हैं. बच्चों अब एक जो लास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक रह गया था उसको हम लेते हैं और ये है चेंज ऑफ नेम. देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपना नाम है वो किसी न किसी कारणवश से उसको बदलना पड़ता है और जब नाम हमें बदलना होता है तब भी हमें है वो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट की वो जरूरत पड़ती है क्योंकि जो अथॉरिटी होती है वो हमसे इस प्रकार से प्रूफ मांगती है कि अच्छा आपका नेम है वो चेंज है तो आप कोई लोकल न्यूज़पेपर की है वो कटिंग है वो हमारे समक्ष पेश करो और तभी उसको है वो सही माना जाएगा. तो देखिए बच्चों अब हम जो ये लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट का है चेंज ऑफ नेम वाला हम इसको भी हमें वो पढ़ रहे हैं. चेंज ऑफ नेम. देखिए मेन हेडिंग भी क्या हो जाएगी चेंज ऑफ नेम. देखिए आई रविंद्र कुमार शर्मा सन ऑफ पुष्पेंद्र शर्मा अब वो अपना एड्रेस लिखेगा 165 आदर्श नगर जयपुर have changed my name to Rajendra Kumar. Rajendra Kumar Sharma for all future purposes. देखिए बच्चों इस प्रकार से है वो लिखेंगे. चेंज ऑफ नेम का अगर हमें है वो एडजस्टमेंट पब्लिश करवाना है तो इस तरीके से करवाएंगे. देखो अब यहाँ पे है ये जो आदमी है जिसका नाम क्या है रविंद्र कुमार शर्मा है तो ये खुद क्या कहता है आई रविंद्र कुमार शर्मा मैं रविंद्र कुमार शर्मा हूँ सन ऑफ पुष्पेंद्र शर्मा और आगे इसने अपना एड्रेस लिख दिया है 165 आदर्श नगर जयपुर का और आगे क्या ये डिक्लेरेशन करता है कि हैव चेंज्ड माय नेम क्या लिखा इसने कि मैंने मेरा नाम है वो बदल दिया है और बदल करके क्या रख दिया है नाम ये रख दिया है राजेंद्र कुमार शर्मा किससे रविंद्र कुमार शर्मा से है उसने अपना नाम है वो राजेंद्र कुमार शर्मा से रख दिया और आगे लिखा कि फॉर ऑल फ्यूचर पर्पजेज यानी आगामी जो भी पर्पज है उनको लेकर के मुझे है वो इसी नाम से है वो जाना जाएगा. तो ये ज्यादा बिल्कुल मैं इसको सिंपल मानता हूँ. इसी के साथ बच्चों ये हमारा एडजस्टमेंट का जो टॉपिक्स है वो यहीं क्लियर होता है. नेक्स्ट में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय.